हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय एकेडमी। आज हम कार्य और समय यानी टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 6 है। ये इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ हम कंसेप्ट को भी सीखते जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं इस लेक्चर को। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियाँ क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी जल जाता है। यदि दोनों को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि कोई दो मोमबत्ती है तो वो पूरा जलने में एक मोमबत्ती को 4 आवर लगते हैं तो दूसरे को 6 आवर लगते हैं। अगर दोनों को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का रेशियो 2:3 रह जाएगा। तो मान लीजिए कि कोई दो मोमबत्ती है ये जल रहा है, कोई दूसरी मोमबत्ती है जो कि जिसकी साइज डिफरेंट है ये भी जल रही है। तो ये मान लेते हैं इस क्वेश्चन में कि माना कि टी आवर में जल जाती है, यानी कि जो आपका मोमबत्ती है वो टी आवर में पूरी रूप से जल जाती है यानी कम्प्लीटली जल जाती है। तो इसको देखिए, मान लीजिए मोमबत्ती ये ए है, ये मोमबत्ती बी है, तो हम टाइम एंड वर्क के ही कंसेप्ट से इसको अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। तो 4 आवर में ए मोमबत्ती जलती है, 6 आवर में बी मोमबत्ती जलती है, तो मान लेते हैं इनको टोटल जो 24 या 12 भी मान सकते हैं हम, अगर 12 ये इसका मतलब मान लीजिए कि टोटल, ये टोटल वर्क होता है, आपने प्रीवियस लेक्चर अगर देखा होगा तो उसमें देखे होंगे कि आप टाइम एंड वर्क का बेसिक कंसेप्ट में यही हम देख रहे थे कि जो ए किसी काम को 4 आवर में करता है, बी किसी काम को 6 आवर में करता है, तो वो ए बी इंडिविजुअली कितने काम करेंगे। तो वो बेसिक क्वेश्चन थे उसी जिसमें हम इसके एलसीएम या इसके कोई ऐसी वैल्यू ले लेते थे जो ए इस वैल्यू से 4 और 6 से डिवाइड हो जाए, यानी 12 है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं हम टोटल मोमबत्ती जो है, इतना यूनिट है 12 यूनिट। तो अगर 12 यूनिट मोमबत्ती है, 4 आवर में जलता है, तो प्रति आवर कितना जलता है, यानी 3 मीटर पर आवर, मानते हैं हम 12 मीटर यूनिट टोटल मोमबत्ती की हाइट है। तो यानी एक जो इफिशियंसी है जलने की वो 3 मीटर पर आवर है, और वही बी की 2 मीटर पर आवर है, यानी बी जो है पर आवर 2 मीटर के आवर से जलता है, यानी 2 मीटर 1 आवर में जलता है बी मोमबत्ती जो है ये, लेकिन ये जो मोमबत्ती है वो 1 आवर में 3 मीटर जलता है। तो इसका शॉर्टकट यही तरीका यही है क्वेश्चन का कि मान लीजिए कि 12 मीटर टोटल मोमबत्ती इसको जलने हैं, तो 12 मीटर में 3 की इफिशियंसी से ए मोमबत्ती जलता है कितने टाइम में, टी टाइम में, यानी 3T/। उसी तरह जो आपका बी मोमबत्ती है वो 12 मीटर मोमबत्ती जलने में 2 मीटर पर आवर यानी 2 मीटर पर आवर के इफिशियंसी से जलता है, टी आवर में जलता है, और इसी का तो रेशियो हमें दिया हुआ है कि 2/3 इस क्वेश्चन में दे रहा है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 2/3 हो जाता है। तो अब इसको सोल्व आउट करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, तो टी इजकल टू आ जाएगा 12/5। 12/5 यानी 2 आवर 24 मिनट में, 2 आवर 24 मिनट ये दोनों मोमबत्ती जले, तो उसके बाद इनकी जो हाइट का रेशियो होगा ना वो 2:3 होगा। यानी मान लीजिए मोमबत्ती ए की ऊंचाई 2 मीटर है, लेकिन तो उसी समय मोमबत्ती बी की ऊंचाई 3 मीटर होगी, यानी 2:3 में होगी 2 आवर 24 मिनट जलने के बाद। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे, इसी रूल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डाटा चेंजेज हैं इस क्वेश्चन में कि दो मोमबत्तियों समान ऊंचाई की दो मोमबत्ती क्रमशः 12 और 20 घंटे में पूरा जल जाता है, यदि दोनों को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3:5 रह जाएगा।
इसमें भी हम मान लीजिए ए मोमबत्ती बी मोमबत्ती, एक 12 घंटा में जलता है, एक 20 आवर में जलता है, तो मान लेते हैं हम इसके कोई इंडिविजुअल वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं 60, जो दोनों से डिवाइड हो जाए या दोनों का एलसीएम हो। तो ये मान लीजिए 60 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, तो 60 मीटर ऊंचाई को 12 आवर में जलता है ए, तो ये 5 की इफिशियंसी से जलेगा, ये जलेगा 3 की इफिशियंसी से, यानी कि 3 मीटर पर आवर बी जलेगा और 5 मीटर पर आवर ए जलेगा। तो उसी तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन में ही 60 टोटल हमारा ऊंचाई का मोमबत्ती है, और फर्स्ट जो मोमबत्ती है वो 5 के 5 मीटर पर आवर जलता है, टी समय में जलेगा ये पूरा, और 60 - 3 टी इजकल टू 3/5 हाइट का, ये जो आपका हाइट का है इक्वेशन, तो उस तरह हाइट का भी रेशियो में 3/5 को हम इक्वेट कर देंगे दोनों साइड, तो जो आपका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और जो आपका आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन ये दो आपका ऊंचाई समान मोमबत्ती का था, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि वो मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। इसमें देखिए हमने पहले जितने भी क्वेश्चन किए तो उसमें इंडिविजुअली एक एक पर्सन थे कि ए 20 दिन में काम करता है, बी 30 दिन में काम करता है, तो दोनों मिल जाए, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये ज्वाइंट काम कर रहे हैं, ए भी मिलते हैं तो 12 दिन में कंप्लीट होता है, बी सी साथ मिलते हैं तो 15 दिन में होता है, और सी प्लस ए और 12 दिन में करते हैं, इसमें इंडिविजुअली नहीं है ज्वाइंट है, तो ज्ञात करें कि वे मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। तो बेसिकली जो आपका इंडिविजुअली हो या ज्वाइंट हो, कंसेप्ट वही होगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, कि बेसिक फोकस हमारा वही होगा, सेंट्रल जो आपका कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क का वही होगा, कि हम ए बी सी 3 पर्सन है तो उसको एक वर्क हम फाइंड आउट करेंगे, उनकी इंडिविजुअल इफिशियंसी निकालेंगे और टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा पूरा साथ मिलकर कितने समय में काम करेंगे वो निकल जाएगा। आपको पता ही है कि काम, जैसे कि कोई वर्क है या काम है, वो टोटल काम जो है वो समय इंटू क्षमता, यानी टोटल वर्क इजकल टू टाइम इंटू इफिशियंसी के बराबर होता है। तो मान लीजिए ए प्लस बी किसी काम को 12 आवर में करते हैं, या 12 दिन में, यहाँ दिन दिया हुआ है तो मान लीजिए 12 दिन में करते हैं, और बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, पर सी प्लस ए जो है उसी काम को 20 दिन में करता है, तो हम कोई इंडिविजुअल कोई इसका एलसीएम या कोई एक ऐसा वैल्यू चूज कर लेते हैं जो तीनों से डिवाइड कर जाए, या 60 ले लेते हैं, इसका मतलब जो ये है ना 60 यूनिट वर्क, इसको मानते हैं हम टोटल वर्क मानते हैं इसको। अब देखिए 60 काम को 12 दिन में करना है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, इस फॉर्मूला पर लगे 60 काम है, 12 दिन है, तो एक दिन में कितना काम, इसको डिवाइड कर दिए तो 5 काम पर डे इनकी इफिशियंसी हो गई ए प्लस बी की। उसी तरह बी प्लस सी की भी इफिशियंसी 4 हो जाएगी, 60 / 15, 5 × 60 20 × 60 + 3 इनकी इफिशियंसी हो गई सी प्लस ए की। तो अब देखिए तीनों एक साथ मिल जाते हैं, इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है तीनों एक साथ मिल जाए तो काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, तो इनको इफिशियंसी मतलब कि जैसे कि आप इसको ऐड कर लीजिए इनकी इफिशियंसी, तो जो भी है ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 है, बी प्लस सी की इफिशियंसी 4 है, और सी प्लस ए की इफिशियंसी 3 है, तो इनको आपस में एडिशन कर लीजिए, तो 2a 2b 2c आएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम यहीं पे डायरेक्ट, ए प्लस बी प्लस सी इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा, और 7 × 4 = 7, 7 × 5 = 12, तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी इनकी ए प्लस बी और सी तीनों आपस में मिल जाए तो एक दिन में वर्क 6 करेंगे, यानी इनकी इफिशियंसी 6 हो जाएगी तीनों एक साथ मिल जाए तो। अब देखिए तीनों एक साथ मिल जाते हैं, टोटल वर्क भी आपको पता है, अब इफिशियंसी भी पता चल गई, तो हम समय निकाल लेंगे, यानी कि समय इजिकल टू टोटल वर्क, यानी 16 वर्क है बाई 6, यानी कि 10 डे, यानी इस क्वेश्चन का कहने का तीनों मिल जाए तो, तीनों मिल जाए तो इस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर जाएंगे, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4,
इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा चेंजेज है प्रीवियस क्वेश्चन से, कि उसमें था तीनों मिल जाए एक साथ तो काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए ए प्लस बी प्लस सी तथा सी प्लस ए किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। तो ज्ञात करें कि अलग अलग पूरा काम को कितने समय में पूरा करेंगे, यानी इंडिविजुअली ए कितना दिन में टोटल वर्क को पूरा करेगा, बी कितना दिन में करेगा और सी कितना दिन में करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी हम इसका ए प्लस बी 10 दिन में पूरा काम करता है, बी प्लस सी 12 दिन में और सी प्लस ए 20 दिन में करता है, तो हम कोई वैल्यू 16 चूज कर लेते हैं। ये हो गया आपका टोटल वर्क। हम ये जो वैल्यू लाते हैं इसके मल्टीप्लीकेशन में कोई ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो तीनों से डिवाइड कर जाए, या इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसके ए प्लस बी की इफिशियंसी प्लस सिक्स, आपको पता है काम इज इक्वल टू समय इंटू क्षमता, क्षमता यानी इफिशियंसी फाइंड आउट करना है, तो टोटल काम में से समय से डिवाइड कर देंगे तो इफिशियंसी निकल जाएगी 60/10 बाई 60/10 इज इक्वल टू 6, यानी 6 इसका हो जाएगा प्लस 5 इसका हो जाएगा प्लस 3। तो अब देखिए इसमें कि आपको टोटल जो इफिशियंसी आएगी ए प्लस बी तीनों की इफिशियंसी 7 आएगी। इसको ऐड कर लीजिए, ए प्लस बी, बी प्लस बी और सी प्लस ए जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, तीनों को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगी 6 5 11 3 14 14 और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 7 आ जाएगी। प्रीवियस में 6 आया था, इस क्वेश्चन में 7 आ जाएगी। तो यानी कि आपको पता है यहाँ से आपको इंडिविजुअली पता करनी है कि ये कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, बी कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, तो हमें इफिशियंसी भी इंडिविजुअली होनी चाहिए पता। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी 7 है, लेकिन सी प्लस ए कितना है, सी प्लस ए ये कितना है, 3 इफिशियंसी, तो इसको माइनस कर लीजिए। तो ए से ए कटा, सी से सी कटा, यानी बी की इफिशियंसी 4 आ गई। यानी अगर बी की इफिशियंसी 4 आ गई या टोटल इफिशियंसी ये 5 है, तो सी की इफिशियंसी 1 आ गई। अगर सी की इफिशियंसी 1 है तो ए प्लस सी की इफिशियंसी 3 है, यानी ए की 2 है, यानी ए की 2 है तो बी की 4 है। आपको पता चल गई ए की इफिशियंसी 2 है, बी की इफिशियंसी 4 है और सी की इफिशियंसी 1 है। या आप ऐसे ना करके आप इक्वेशन में भी यहाँ रख सकते हैं, ए प्लस बी इजकल टू 7 है, तो आपको अगर ए की इफिशियंसी निकालना है तो बी प्लस सी के यहाँ वैल्यू रख दीजिए इजकल टू 5, 5 की इफिशियंसी तो 5 रखिए, इसको माइनस कीजिएगा तो बी सी कट जाएगा, ए इजकल टू 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 7 है और बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 5 है, बी प्लस सी की इफिशियंसी 5 है, माइनस कर लीजिए तो बी बी सी सी कट गया, ए इजकल टू 2 आ गया, 5 में से 7 में से 5 गया 2। तो आपको इफिशियंसी इनकी पता चल गई, ये आपकी इफिशियंसी है। तो आपको टोटल वर्क भी 60 है, इफिशियंसी पता चल गई। तो इंडिविजुअली ये कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा, 60 टोटल वर्क, इफिशियंसी 2 यानी 30 डे लगाएगा ये काम को पूरा करने में। बी कितना दिन लगाएगा, 4 की इफिशियंसी है 60 है तो ये 15 डे लगाएगा। उसी तरह सी का इफिशियंसी 1 है, 60/1 यानी 16 डे में सी वर्क को कंप्लीट करेगा। ये तीनों आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है ए प्लस बी, क्वेश्चन में ऐसे भी कह सकता है ए तथा बी और सी तथा सी किसी काम को, यानी कि दोनों को साथ काम करने को कह रहा है, तो तथा भी लिखा रहा है या प्लस का साइन रहे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ए प्लस बी तथा बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए इस काम पर 5 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 7 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी अकेला 13 दिन में पूरा कर लेगा। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कि देखिए क्वेश्चन में कह रहा है बी ए बी दोनों साथ मिलके काम को, कोई काम है उसको 12 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, बी सी कोई काम है उसको 16 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन ए जो है 5 दिन काम करे और बी 7 दिन करके इस चले जाते हैं, तो जो बचा हुआ काम है उसको सी पूरा 13 दिन में कंप्लीट करता है। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी सी जो भी है ये सब ना रहे और टोटल काम हो, उसको सी अकेला कितने दिनों में करेगा। अब वो क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन में भी सेंट्रल कंसेप्ट आपका वही है कि आप पहले टोटल वर्क निकाल दीजिए। अगर ए प्लस बी, बी प्लस सी किसी काम को इंडिविजुअली 12 और 16 दिन में करते हैं, तो कोई यहाँ पे 48 ले लीजिए टोटल वर्क, तो 12 प्लस 4 ये हो गया प्लस 3, यानी कि ये टोटल वर्क हो गया आपका। और 12 दिन में ए प्लस बी पूरा करते हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, 16 दिन में बी प्लस सी, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी 4 हो गई और
सी बी प्लस सी की इफिशियंसी 3 हो गई और ए प्लस बी की इफिशियंसी 4 हो गई। तो आप इसमें इंडिविजुअल इफिशियंसी पता कर लीजिए, यानी ए प्लस बी और बी प्लस सी, ए प्लस बी की इफिशियंसी 4 है, बी प्लस सी की इफिशियंसी 3 है, यानी ए प्लस 2 बी प्लस सी की इफिशियंसी 7 हो गई। इसको एडिशन कर देंगे दोनों को, तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे, ए प्लस सी, बी प्लस सी का इफिशियंसी 3 है, इसको माइनस कर देंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किया था, सी से सी कट गया, ए माइनस बी इजकल टू 4 आ गया, और आपको ए प्लस बी इजकल टू 4 ही है। हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट इफिशियंसी यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। डायरेक्ट इफिशियंसी मान लीजिए बी प्लस सी इजकल टू ए है, तो इसमें ना ए प्लस बी जो आपका है, ए प्लस बी इसको एडिशन कर देंगे अगर, तो इस क्वेश्चन में देखिए, अगर आप इस तरह से इसकी इफिशियंसी इंडिविजुअल फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 7 है, ए प्लस बी को माइनस करेंगे अगर यहाँ से, तो यही इक्वेशन निकल के आ जाएगी। फिर अगर इसको भी पुट करते हैं तो यही इक्वेशन, इसको पुट करते हैं तो यही इक्वेशन निकल जाएगी। तो इस तरह से आप इंडिविजुअल इसके इफिशियंसी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, बी की इफिशियंसी कितनी होगी और सी की इफिशियंसी कैसे कितना होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में करता है और 16 दिन में करते हैं। तो देखिए ए प्लस बी कम समय ले रहे हैं पर बी प्लस सी ज़्यादा समय ले रहे हैं, इसका मतलब हुआ ए प्लस बी की इफिशियंसी ज़्यादा होगी काम करने की और बी प्लस सी की इफिशियंसी कम होगी, क्योंकि कम समय ले रहा है ए प्लस बी, इसलिए इनकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर ए की इफिशियंसी 3 है और बी की इफिशियंसी 1 है, तो यहाँ पे बी की इफिशियंसी 1 तो सी की इफिशियंसी 2 हो जाएगी, क्योंकि 3 है टोटल इफिशियंसी, अगर बी की इफिशियंसी 1 हो गई तो सी की इफिशियंसी 2 हो जाएगी। अब ये देखिए ए प्लस बी जो हैं, ये टोटल इसमें जो ए है वो 5 दिन काम करता है, ए प्लस बी जो है 5 दिन तो काम करते हैं साथ में, क्योंकि 7 दिन बाद बी काम करता है 7 दिनों तक और ए 5 दिनों तक, तो दोनों तो 5 दिन काम किए होंगे, लेकिन बी प्लस सी यहाँ 2 दिन काम किए होंगे साथ में, क्योंकि दोनों साथ ही में काम करते हैं। तो ये बी की 7 दिन का वर्क हो गया, यहाँ 7 दिन के काम कर रहे हैं तो, और ए के भी 5 दिन काम करके चला जाता है, लेकिन यहाँ पे सी 2 दिन काम कर चुका था, यानी सी अब 11 दिन और करेगा क्योंकि 13 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तो 11 डे और ये लगाएगा। तो इनकी टोटल वर्क यहाँ से हम निकाल लेते हैं, अगर ए प्लस बी की इफिशियंसी 4 है और 5 दिन साथ में काम करते हैं तो 20 वर्क यहाँ से कंप्लीट कर चुके ये, और यहाँ पे इनकी इफिशियंसी 4 थी, यहाँ पे बी प्लस सी की इफिशियंसी 3 है, तो यहाँ पे 3 है बी और प्लस सी की इफिशियंसी, तो टोटल वर्क यहाँ 6 वर्क हो जाएगा। और अब इसमें 26 वर्क कंप्लीट हो गया और 48 वर्क टोटल है, तो अब और कितने काम करने होंगे, 22 वर्क करने होंगे सी को, कितना दिन में, 11 दिन में, तो यानी यहाँ से 2 वर्क पर डे यहाँ से सी की इफिशियंसी आ गई, इसीलिए हमने सी की इफिशियंसी 2 लिया, तो बी की इफिशियंसी 1 हो गई, अगर बी की इफिशियंसी 1 हो गई तो ए की इफिशियंसी 3 हो गई, यहाँ से ये इफिशियंसी यहाँ से निकला है इसका। तो अगर सी की ए की इफिशियंसी अब 3 निकल गई, बी की इफिशियंसी 1 निकल गई, सी की इफिशियंसी 2 निकल गई, तो अब पूछ रहा है सी उसी काम को अकेला कितना दिन में करेगा, तो 48 टोटल वर्क है, 2 की इफिशियंसी से काम करेगा तो टोटल 24 डे में पूरा कर जाएगा काम को। अगर आपसे ए का इफिशियंसी पूछा होता कि ए कितने दिन में काम करेगा, तो ए 3 से डिवाइड कर देते हैं इसको 48 को, तो आपको उतना डे निकल जाता, और बी को 1 से डिवाइड कर देते तो बी 48 दिन लेता इस काम को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला 16 दिनों में कर सकता है, तथा बी और सी मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं, ज्ञात करें कि ए बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये देखिए इसमें, इस क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी, इसमें ऐसा है ना, ए बी सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भी सेंट्रलाइज जो कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क का, जो ये डायग्राम एक तरह का ये सेंट्रलाइज कंसेप्ट है इस पूरे टॉपिक का,
तो देखिए ए प्लस बी 6 दिन में पूरा करते हैं और बी अकेला 16 दिन में पूरा करता है, और बी प्लस सी, देखिए पहले हमने जितने भी क्वेश्चन देखे थे ना उसमें इंडिविजुअली ए बी कर रहे थे, उसके बाद ए प्लस बी कर रहे थे, लेकिन इसमें देखिए ए बी सी, बी सी और बी अकेला बी तीनों का कॉम्बिनेशन है इस क्वेश्चन में, मतलब ये एडवांस वर्जन है, मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका एस एस सी मेन्स में। बी प्लस सी जो है 10 दिनों में करता है, तो हम कोई ऐसे ही वैल्यू चूज कर लेंगे या इसका एलसीएम ले लेंगे जो तीनों से डिवाइड कर जाए, तो ये 240 वैल्यू आएगा, कोई छोटा सा छोटा इससे भी आपको छोटा वैल्यू कोई चूज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी जो है ना 6 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगी, यानी एक दिन में तीनों मिलकर 40 वर्क करेंगे। ये टोटल वर्क होता है, मैंने आपको कई बार बोल चुका हूँ इस टॉपिक में, और इसका आपको 15 आ जाएगा इफिशियंसी, और बी प्लस सी की इफिशियंसी 24 आ जाएगा। तो इसमें देखिए इसमें पता है आपको जो बी की इफिशियंसी, अगर बी की इफिशियंसी इंडिविजुअली 15 है और टोटल बी प्लस सी की इफिशियंसी 24 है, तो सी की इंडिविजुअल इफिशियंसी जो है वो भी निकल जाएगी, और 24 15 घटा देंगे यानी 9 हो जाएगी। अब देखिए सी की 9 हो गई इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी 15 हो गई यहाँ से, तो 40 में से इन दोनों को घटा देंगे तो ए की भी इफिशियंसी निकल जाएगी, ठीक है। तो एक इफिशियंसी यहाँ से कितने निकलेगी, एक इफिशियंसी 16 आ जाएगी, 40 और ये 10 और 16 आ जाएगी, ओके। तो अब कह रहा है ए प्लस बी मिलकर पूरे काम को कितना दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी की टोटल इफिशियंसी हम फाइंड कर लेंगे, 16 प्लस 15 यानी कि 31 इफिशियंसी हो गई एक दिन की। तो आपको पता है टाइम निकालने के लिए कितना दिन में ए प्लस बी कंप्लीट करेंगे, टोटल वर्क बाय इफिशियंसी 31, तो इतना दिन आपको ए प्लस बी को काम पूरा करने में लगेगा। अब देखिए यही क्वेश्चन बी प्लस सी पूछ देता कितना दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, इसमें बी प्लस सी मिलकर 10 दिन में करते हैं तो ये पूछेगा ही नहीं, क्योंकि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर इसके जगह पर देता ए प्लस बी इतना में काम पूरा करते हैं तो बी प्लस सी, तो सेम कंसेप्ट है, आपको कहीं भी चेंज नहीं करने हैं, सभी क्वेश्चन में सेंट्रलाइज रूल लगाने ही है। डायग्राम आपको इंडिविजुअल इफिशियंसी निकालने हैं, टोटल वर्क निकालने हैं और डिवाइड कर देने हैं समय निकालने के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो के। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक मैन दो वुमैन, यानी एक आदमी दो औरत और 4 बच्चे, ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैंने शॉर्टकट में लिखा है 4 चिल्ड्रन तो सी लिख दिया है, 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटों में पूरा करते हैं यानी कर सकते हैं, जबकि 2 मैन 8 बच्चे उसी काम को 80 घंटों में पूरा करते हैं। तो 2 मैन उसी काम को 120 घंटों में पूरा कर सकते हैं, तो 5 मैन और 16 चिल्ड्रन उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते करेंगे ये बताइए। इतना हाई लेवल का क्वेश्चन कभी अभी तक आया नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप इस प्रिपेयर रहिए पहले ही एग्जाम में पूछने से पहले। तो देखिए इसमें भी हम वही सेंट्रलाइज रूल अप्लाई करेंगे और जो डायग्राम बेसिस है, यानी कि 1 मैन प्लस 4 वुमैन प्लस 4 चिल्ड्रेन है, ये 3 वुमैन है, यहाँ पे 3 वुमैन है, 3 वुमैन किसी ये तीनों मिलके किसी काम को जितना दिन में करते हैं दिया हुआ है 96 घंटों में। ये 96 घंटे दिया हुआ हो और 96 दिन दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है दिन और घंटे से, क्योंकि लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा उसी के रेस्पेक्ट में आएगा, अगर दिन है तो दिन में आएगा और आवर होगा तो आवर में आएगा। और दिया हुआ है 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रेन 80 घंटों में करते हैं, और एक और इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि 120 घंटे में करते हैं 2 मैन प्लस 3 वुमैन, यहाँ पे दिया 120 घंटे में करते हैं। तो आपको पता है ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए या कोई एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट कर दीजिए तो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो मान लेते हैं 480 ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क ये तीनों से डिवाइड कर जाएगा ये वैल्यू, तो इनकी जो टोटल इफिशियंसी हुई ना ये प्लस 5 हुई, इनकी 480 में से 96 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 आएगा, और 80 से डिवाइड कीजिएगा इसको तो 6 आएगा, और 120 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 मैन और 3 वुमैन का इफिशियंसी 4 हुई, 1 मैन 3 वुमैन प्लस 4 चिल्ड्रन की इफिशियंसी 5 हुई। तो इसमें देखिए आपको इंडिविजुअली इफिशियंसी निकालना पड़ेगा क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए, तभी आप इनके 5 मैन और 16 चिल्ड्रन की इफिशियंसी को
पता करके टोटल वर्क को डिवाइड कर दीजिएगा तो पूरा समय निकल जाएगा। तो इसमें इंडिविजुअल इफिशेंसी निकालने के लिए आप देखिए, टू मैन प्लस 8 चिल्ड्रेन, 6 इनकी इफिशियंसी है। दूसरा देखिए इक्वेशन, एक दो मैन प्लस 4 चिल्ड्रेन, ये दो मैन और 8 चिल्ड्रेन, इनकी इफिशियंसी 6 है, यानी कि एक मैन प्लस 2 चिल्ड्रेन की इफिशियंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब देखिए ये टू मैन ही अगर रखते हैं, या 4 रखते हैं, या 6 लिखते हैं, तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में माइनस कीजिएगा तो ये mm कट जाएगा और आपको 4c इज इक्वल टू आ जाएगा, यानी मेन सॉरी एक मैन प्लस 2 4 चिल्ड्रेन का इफिशियंसी हो जाएगा 3 यहाँ से। ओके, ये इक्वेशन निकला आपका। तो देखिए एक मैन और 3 ओ मैन ये है यहाँ पे, इनके वैल्यू जगह यानी 3 इनकी इफिशियंसी हो गई। तो टोटल इफिशियंसी कितनी है, टोटल इफिशियंसी तो 5 है, तो यानी 4 बच्चों का इफिशियंसी क्या हो गई, 2 हो गई, यानी एक बच्चों का इफिशियंसी 2 बाई 4 हो गई। तो यानी 2 यहाँ से बच्चों की इफिशियंसी निकल गई आपको, इंडिविजुअल 4 बच्चों की इफिशियंसी 2 है, तो 8 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। 8 बच्चों की एफिशिएंसी 4 हो गई, इसका मतलब 2 ओ मैन की एफिशिएंसी मैन की कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि 6 में से 4 घटा दीजिएगा तो 2 हो जाएगा यहाँ। ठीक, अब बताइए 2 मैन की एफिशिएंसी निकल गई तो 1 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1 मैन की एफिशिएंसी 1 हो गई, 2 मैन की एफिशिएंसी 2 है तो 1 मैन की एफिशिएंसी 1 हो गई, तो यहाँ इनकी एफिशिएंसी 1 हो गई, टोटल एफिशिएंसी 3 है, तो यानी 3 ओ मैन की एफिशिएंसी भी 2 हो गई, यानी टोटल 3 है, तो 1 मैन की एफिशिएंसी 1 हो गई, तो 3 ओ मैन के बचे हुए ये 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 हो गई। तो यहाँ देखिए यहाँ पर पूरी आपको इफिशियंसी उसी तरह 2 मैन की यहाँ इफिशियंसी 2 हो गई और 3 ओ मैन की इफिशियंसी 2 हो गई, टोटली आपको इफिशियंसी सभी इंडिविजुअली निकल गया। तो अब आपको 5 मैन की इफिशियंसी, आपको यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 5 मैन और 16 चिल्ड्रन, तो 5 मैन की इफिशियंसी कितनी होगी, 1 मैन की इफिशियंसी 1 है, यानी 5 हो गई 5 मैन की, 5 मैन प्लस 16 चिल्ड्रन इनकी इफिशियंसी हमें पता करना है, और 8 बच्चों की इफिशियंसी 4 है, तो 16 बच्चों की इफिशियंसी 8 हो गई, यानी टोटल 13 इफिशियंसी हो गई इस जो फाइंड आउट करना है। तो अब टोटल दिन हमें कितने लगेंगे, तो समय इज इक्वल टू 480 टोटल वर्क बटा 13, ये हमारा इतना दिन लगेंगे 5 मैन और 16 चिल्ड्रन को फाइंड आउट करने में, कितने समय में काम करेंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत अपर कट है क्योंकि इसमें बहुत सारे इसमें निकालने हैं बस, लेकिन आपको सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है वही है, इफिशियंसी इंडिविजुअली फाइंड आउट करने होंगे, इसमें कोई ना कोई क्लू मिल जाता है आपको एग्जाम में कि आपको निकल ही जाए, क्योंकि ये यहाँ से जो हमने इक्वेशन लिया 1 मैन और 4 चिल्ड्रन का इजकल टू 3 2 मैन और इस क्वेश्चन में देखिए 1 मैन और 3 4 चिल्ड्रन की इफिशियंसी 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मैन और ये 4 चिल्ड्रन की इफिशियंसी 3 है। ओके, इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिए, इसमें एक साथ हो गया था, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पे, इतने ना थोड़ी कम जगह थी, तो इनकी इफिशियंसी टोटली 3 है, 1 मैन की इफिशियंसी आपका 1 है, तो इनकी इफिशियंसी 2 हो गई थी, टोटल 3 है, तो और 3 ओ मैन की इफिशियंसी जो थी वो भी 2 आई है यहाँ से कंसेप्ट से, और बाकी सब सेम है, इतने आंसर होंगे, आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है क्या, एक आदमी के 3 पुत्र हैं, पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वह आदमी उसी काम को 3 पूर्णांक 3/11 दिनों में पूरा कर सकता है, जितने समय में उसके पुत्र उस काम को पूरा करते हैं उतने समय में वह उनसे 2 गुना काम करता है, यानी जो 3 पुत्र की इफिशियंसी है वो जो व्यक्ति है उनकी इफिशियंसी से हाफ है, यानी या व्यक्ति की इफिशियंसी 2 गुना है 3 पुत्रों की अपेक्षा, तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए कॉन्सेप्ट तो सेंट्रलाइज वही है कि आप मेन ले लीजिए और ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी, ये कोई मेन है मतलब जो पुरुष है वो है, उनके 3 बच्चे हैं, जो मेल है वो 11 3 पूर्णांक 3/11 यानी
33 यानी 36/11 दिन में पूरा करता है, जो ए है वो 24 दिन में पूरा करता है, बी 30 दिन में पूरा करता है, तो आपको पता करना है सी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपको पता नहीं है। तो आप ऐसा कर लीजिए कि ये तीनों का कोई ऐसी वैल्यू चूज कर लीजिए जो ये तीनों का डिवाइड हो जाए, यानी हम यहाँ पे मान लेते हैं 72, तो इनकी इफिशियंसी 22 हो जाएगी, इनकी इफिशियंसी जो है 3 हो जाएगी, प्लस इनकी इफिशियंसी 2 हो जाएगी। तो अब देखिए, तो आपको इस क्वेश्चन में क्लू दिया हुआ है कि जो इफिशियंसी ऑफ मेल है वो डबल है इफिशियंसी ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब तीनों बच्चों का जो इफिशियंसी है उससे दुगुना है, तो यानी कि इन तीनों के इफिशियंसी 11 रहा होगा, तभी तो इफिशियंसी 22 है ये इनकी मेल की, तो ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, यानी सी की इफिशियंसी 6 रहा होगा। हमें इफिशियंसी पता चल गई, इफिशियंसी इंटू टाइम जो होता है वो वर्क होता है, तो आपको पता है टाइम हमें अब यहाँ से निकालना है, तो वर्क है 72, इफिशियंसी है 6, तो डिवाइड कर देंगे यानी 12 दिन, यानी यहाँ पे पुट होगा 12 दिन में जो सी है यानी तीसरा पुत्र है सी वो काम को कंप्लीट करेगा। इस क्वेश्चन में देखिए रिवर्स डायरेक्शन में क्वेश्चन था, हमसे पहले पूछता था कि ए इतना दिन में, बी इतना दिन में, और सी दिया रहता था टाइम, वो इतने दिन में काम को पूरा करते हैं, तो बताइए कितने दिन में तीनों मिलकर काम करेगा। लेकिन इसमें क्या है ना, आपको दो अनोन है, एक तो आपको टोटल वर्क भी नहीं दिया हुआ है, और सी की ना इफिशियंसी पता है ना सी की कितने दिन में पूरा करेगा, ये तो हमें पता ही करनी है। तो ये जो क्लू दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि जो इफिशियंसी है मेल की वो दुगुना है, उतने ही समय में उससे दुगुना काम करते हैं, यानी दुगुना इफिशियंसी हो जाएगी, तो इनकी इंडिविजुअल इफिशियंसी 3, 2, 6 होगी, यानी 11 होगी टोटल, तभी तो 11 दुना 22 होगी इनकी इफिशियंसी दुगुना, तो इससे हमें ये क्वेश्चन का फाइंड आउट हो जाएगा। इस लेक्चर में हम यहीं तक रहने देते हैं, आप नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आगे, इसमें अभी भी आपको 5-6 वीडियो और लगेंगे, हाई लेवल तक और क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।